ऐसे ऐसे। और अगर किसी के पास वक्त नहीं है, एक एक को नहीं दबा सकता, तो वो फिर ये कर ले, ये लेकिन जोर से दबाना और छोड़ना, दबाना और छोड़ना, दबाना और छोड़ना। आप देखोगे कि सारा जिस्म जो है ना वो एक्टिव हो जाएगा। इसी तरह इस हाथ में जो है ना ये और फिर ये कर लो, ये कर लो, ये कर लो, ये कर लो, ये कर लो। और हमारी ये जो छोटी वाली उंगली है, पता है ना कि वो बच्चे जब जाते हैं पेशाब के लिए तो उस्ताद को ये कहते हैं, और पता नहीं ये कैसे जो है ना वो आवाम के जहन के अंदर आया, लेकिन ये बिल्कुल सही है। इसको आप दबाओगे, ये जो छोटे बच्चे और बच्चियां पेशाब कर लेते हैं बिस्तर पे, आप रात को ये दबाओगे 2 मिनट, और उसके बाद खजूर खिला लें या छुहारा खिला दें या चने खिला दें, पहले दिन ही आप देखोगे कि बच्चे ने पेशाब नहीं किया होगा। जो बच्चा रोजाना पेशाब करता ये करने से, ये जानो। और फिर ये जो दूसरी वाली उंगली है, ये अल्लाह ने इसके अंदर ये रखा कि ब्लड प्रेशर जितना मर्जी हाई हो, जितना मर्जी हो, आप इसे ये कर लो, ये ऐसे दबा लो 5 मिनट। अभी आप ब्लड प्रेशर चेक कर लो, और अभी 5 मिनट ये दबाने के बाद, हम तो कहते हैं सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह अकबर, कोई अल्लाह का नाम सा लेते रहो, अल्लाह अकबर, अल्लाह उस्समद, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, सवाब भी मिलता रहेगा। तो आप देखोगे कि 5 मिनट के बाद जानो आपका ब्लड प्रेशर जानो वो अपनी जगह पे आ जाएगा। और ये जो उंगली है दरमियान वाली, ये हमारे जो है ना वो टेंशन को दूर करने वाली है ये। और इसके अंदर एक और बात है कि आप ऐसे ये जो रख लिया है ना, ये हमारा किडनी है, किडनी इसको दबा लोगे तो किडनी जो है ना वो काम करने लगेगी। जो किडनी बिल्कुल जाम हो गई है ऐसे दबाने से, जहाँ ये आके रुकेगी ये उंगली, ये और फिर हैं इसके नीचे आप अगर आ जाओगे तो ये जो ये है, ये हमारा हार्ट है, दिल है, बल्कि ये जो है ये हमारा कान का पॉइंट है। कम सुनाई देता हो, पी पा रही हो, इतने मर्जी से कान खराब हो, आप 5 मिनट सुबह शाम कर लो, 5 मिनट ये दबाओगे, ये दबाने से जहाँ वो कान के अमराज दूर हो जाते हैं। और उसके नीचे ये हार्ट है, हार्ट की ब्लॉकेज खुल जाती है, बिल्कुल खुल जाती है। ये जो कह रहे हैं ना कि जो ब्लॉकेज खुलती नहीं है बगैर ऑपरेशन के, आप ये 10 मिनट जोर से ये दबा के ये नीचे ये और उसके नीचे जो है ना ये जो हमारी डिकीर ये ख़त्म हो रही है, ये डायबिटीज़ के लिए है, शुगर के लिए, अब ये दबा लो। लेकिन शुगर के लिए सबसे मेन पॉइंट जो है ना ये जो है ये आप इसे दबा लें, आप देखोगे कि फौरन जो है ना वो आपको फ़र्क पड़ना शुरू हो जाएगा। तो ये जो है ना वो हमारे कान के लिए है, और ये हमारे फेफड़ों के लिए है, ये दरमियान वाली जो है ना उंगली, ये फेफड़ों के लिए, फेफड़े जो है जाम हो गए, बलगम रुकी हुई है, जो मर्जी मसला हो आप इसे जो करोगे तो फेफड़े आपके एक्टिव हो जाएंगे। और ये आँखों के लिए अल्लाह की बहुत बड़ी नियामत है, बहुत बड़ी नियामत है ये अल्लाह। ये जो आँखें जो है वो हम ज़्यादा लैपटॉप इस्तेमाल करते हैं, और इसी तरह जब मोबाइल देखते रहते हैं, कुतुब भी नहीं करते हैं, यानी मुताला स्टडी की जाती है, तो आँखों में तो ये दबाने से जाना वो आँखों के अंदर जाना, आप देखोगे कि रोशनी बनना शुरू हो जाएगी। और इसी तरह जाना वो किसी आदमी को कहीं रात के वक्त डर रहा है, खसूसन बच्चे डर रहे हैं, औरतें डर रही हैं, उन्हें कहें कि ये उंगली दबा लो, ये उंगली दबाने से जाना वो डर इंसान का ख़त्म हो जाता है, परेशान है किसी वजह से ये परेशानी दूर हो जाती। एक आदमी कह रहा कि औरत करे ये मर्द, मैं हमेशा पता नहीं मुझे तकलीफ क्या है, लेकिन समझ नहीं आती, लेकिन हमेशा मुझे टेंशन रहती है। ये आओ दुआ लोगे जो वो टेंशन दूर, खुशी आ जाएगी, गम ही है ना, गम रहता है, ये दबाने से खुशी आना शुरू हो जाती है, 5 मिनट भी नहीं लगते ये दबाने से जब वो खुशी आ जाती है। ये जो छोटे बच्चे होते हैं, औरतें होती हैं, किसी से बात नहीं कर सकते, झिझक होती है, तो ये दबाने से जो है ना वो खुद एतमादी पैदा हो जाती है, आदमी भरोसा पैदा हो जाता है। बच्चों को कहो कि ये उंगली को दबा लें,
तो इसके दबाने से जाना वो खुद एतमादी पैदा हो जाएगी। तो ये अल्लाह ने इस हाथ के अंदर जाना बहुत बड़ी जब वो शफा रखी हुई है, अपने हाथों को कम अज कम जाना वो रोजाना का एक्टिव कर लें, ऐसे करके ऐसे करके ऐसे कर, और नहीं तो खाना खाने से पहले आप ये कर लो, ये तो जरूर करो, दो तीन मिनट, कौन सा मुश्किल है, ये सर्दियों के अय्याम के अंदर तो जरूर ये करना चाहिए ये। और इसी तरह जो है ना वो किसी आदमी को अगर नींद नहीं आती है, कितनी ही औरतें मर देखा तो नींद नहीं आती है, वॉक करने से सैर करने से पहले दिन ही नींद आना शुरू हो जाती, फिर भी अगर नींद नहीं आती तो ये आपका अंगूठा है, ये अंगूठा, ये जगह, ये आप दबाएं पाँच मिनट दबाने से जो अब आपको नींद आना शुरू हो जाएगी। और इसके साथ साथ आपने ये भी करना, ये इसको दबाएं छोड़ें, पहले दिन ही आप करोगे पहले दिन ही आपको नींद आना शुरू हो जाएगी। ये चीज़ दबा लें, अंगूठे दोनों, ये वाले, ये बाहर वाला नहीं, ये अंदर वाला, ये चीज़, ये इसको दबा लें, मसाज कर लें, दबाएं और छोड़ें इसी तरह इसको, इससे जो वो नींद आना शुरू हो जाती है। तो हाथों को जब, और अगर कोई आदमी कोई औरत ये कह रही है कि मुझे जो है ना वो कभी रफा नहीं होती है, तो आप ऐसा करें कि तेल ले लें, थोड़ा सा तेल लेके, तो ये पॉइंट है भाई बाबा शेर का, कब्ज़ का, ये दोनों चीज़ें। और अगर तेल लेके तो ऐसे ऐसे कर लोगे, ऐसे ऐसे ऐसे, तो जब आप देखोगे कि कब्ज़ जो है ना वो पहले दिन ही रफा हो जाएगी। और इसी तरह जो है ना ये पकड़ के पीछे हाथ ले जाके ये अपनी कमर पे, ये वाला, ये लेकिन ये ऊपर ले जाओगे नीचे ले जाओगे, ऊपर ले जाओगे नीचे ले जाओगे, ऊपर ले जाओगे नीचे ले जाओगे, फिर से आप ही जाओ कब्र रफा हो जाएगी। तो उंगलियों के अंदर